चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पार्टी विचारधारा से चलती है, किसी व्यक्ति से नहीं चलती। व्यक्ति अगर पार्टी बदल दे तो पार्टी की विचारधारा नहीं बदलती कभी भी। यहाँ से ही तो शुरुआत, यहाँ से पतन हो जाएगा बीजेपी का। भाई जैसे ही महंगाई बढ़ रही है ऐसे मजदूर के पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इतना खतरा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री क्यों आ रहे खतौली सीट पे, क्यों जोर लगा रहे हैं? नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी यूपी के खतौली विधानसभा सीट पर है और अभी खतौली विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव होने जा रहा है और बीजेपी से जो है विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया गया और रालोद गठबंधन से जो है मदन भैया जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार। जी आइए, अभी खतौली में चुनाव होने जा रहा है तो क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? कोई भी जीत सकता है, जिसकी छवि अच्छी है वो जीत जाएगा। नहीं, छवि किसकी अच्छी लग रही है आपको? भाजपा की। अच्छा, भाजपा की छवि अच्छी, क्या क्या अच्छा लग, क्या मतलब किस तरह से छवि अच्छी लगी आपको उनकी? भाई गुंडागर्दी खत्म हो गई एक तो, और बहुत मामले हैं, सड़कों का विकास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। भाजपा जो है अच्छी प्रगति पे है। अच्छा, कोई पांच काम बता दीजिए कि अच्छे काम किए हैं उन्होंने। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ज़्यादातर मैं इस लाइन में नहीं हूँ, बाकी गुंडागर्दी खत्म हो गई सबसे बढ़िया करा हूँ। अच्छा, मेन काम आपको ये लगा कि गुंडागर्दी खत्म? अच्छा ठीक है। ये आपका नाम? राहुल कुमार। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो चीज़ खत्म है इसके राज में। अच्छा, बाकी मतलब रोजगार स्वास्थ्य पे कैसी सुविधा है? कुछ नहीं है, कुछ इस सरकार में कुछ रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, कुछ नहीं मिला है। विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी चुनाव लड़ रही है और इधर से मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किसको पसंद करें? हम मदन भैया को वोट देंगे। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है विक्रम सिंह ने, और नहीं आज तक कोई एक ईंट तक करोड़ तक नहीं लगाया है, इसलिए हमारे गाँव रतनपुरी छोड़ के चार घर को 3,000 हमारी वोट है रतनपुर में, टोटल विक्रम से उसको विक्रम सैनी को छोड़ के टोटल मदन भैया को वोट जा रही है सब। अच्छा जी, तो पिछली बार आपने कहाँ वोट किया था? पिछली बार हमने बीजेपी को वोट किया था। क्यों, ऐसा क्या, और इस बार क्यों नहीं कर रहे हो आप? इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने काम नहीं किया इस क्षेत्र में, काम नहीं किया इस क्षेत्र में, काम नहीं किया है। ठीक है जी, आपका नाम? मेरा शहजाद। अच्छा जी, शहजाद भाई क्या लग रहा है, उपचुनाव हो रहा है? मदन भैया जीतेंगे भैया। अच्छा, मदन भैया के साथ है सब। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मतलब जो है राजकुमारी सैनी जीत रहे हैं, उन्होंने मैं भी अपनी जगह सही है, मदन भैया भी सही है। अच्छा, लेकिन हम जावे कहाँ से है? अच्छा, वो ये कहना गुंडागर्दी खत्म हो गई, रोजगार से परेशान है आदमी, हम रेड़ा चलावे जी हम तो खुद, लेकिन रोजगार का कुछ हिसाब नहीं बन रहा है यहाँ से। अच्छा, राशन भी तो बांट रही है योगी सरकार, उससे उससे कितना आपको? तो राशन ही नहीं बना अभी तक, ना तो चेयरमैन बनवाता ना मेंबर, सारे ऐसे ही हैं, पैसे दे दो सारे काम हो जाए। हिंदुस्तान में रिश्वत का ज़्यादा काम चल रहा है जी, जिसे पैसा पकड़ा दो उसका काम हो रहा है, जो बेचारा मजबूर है जो नहीं दे सकता उसका काम नहीं होता। क्या लग रहा है चुनाव में, उपचुनाव में? भाई जी टक्कर है, चुनाव में टक्कर है, मुझे है दोनों की बराबर की टक्कर है, देखो क्या होता है। टक्कर ही लग रही है आपको? हाँ टक्कर ही लग रही है। वैसे अभी जो विक्रम सिंह सैनी जी जो विधायक थे, मतलब दूसरी योजना के उन्होंने 4-5 महीने ही किए हैं, तो कुछ विकास हुआ है इस इलाके में? विकास होया, सड़कें बनी, सब काम हुए। जी आपका नाम? मोहम्मद एहसान। तो क्या लग रहा चुनाव को लेकर इस बार? अभी तो देखो, अभी टाइम है, यहाँ तो रात और रात पलटे मामला, पता नहीं चल रहा अभी तक तो कौन क्या है, हकीकत बात तो ये है। तो टक्कर अभी इसी बात पे जो बातचीत चल रही थी चुनाव के ऊपर ही, यही बात हो रही, मगर अभी क्लियर नहीं कर सकते कुछ बात, हकीकत ये है। अगर आंकड़े से लगाओ 1,05,000 मोहम्मदन है, हरिजन है 50% हरिजन, इसको जा रहा नल को, यही 2-4 मिल जाओ तो हो जाए, गुजर रहेगा 30% है नहीं है। क्या लग रहा चुनाव को लेकर? चुनाव का ये लग रहा है भैया, टिकट गलत है लोकदल का और भाजपा का भी, बाहरी को हम जीत नहीं देने के, क्योंकि पहले बढ़ाना भी रह गया यहाँ, कोई काम नहीं करा यहाँ, तो मदन मैया की कैसे उम्मीद कर ले, काम करेगा यहाँ वो तो लो नहीं जाके बैठ जाएगा यहाँ से। विक्रम सैनी कितनी गाली दे लो दुनिया को, लेकिन है तो लोकल, हम उम्मीद की वजह से उसके पास तो जा सकें, मदन मैया के पास कब जाएंगे, वो तो मिलना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पे इस इलाके में? रोजगार की कुछ नहीं है जी, रोजगार की स्थिति तो देखो सुनने खत्म है, लेकिन कुछ ना कुछ सोचना पड़े। अच्छा, देश के लिए भाई जैसे ही महंगाई बढ़ रही है ऐसे मजदूर के पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। बीजेपी कर रहे हैं हाँ जी, इतना खतरा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री क्यों आ रहे खतौली सीट पे,
क्यों जोर लगा रहे हैं? जिताने को आ रहे हैं सर। भैया जीतेगा, कौन जीतेगा? जीतेगा आज ही। मुख्यमंत्री क्यों आ रहा है यहाँ से? आप मदन भैया को जिता लो, आप मदन भैया को जिता लो। पता है अखिलेश को, ये पता है आपको, सीट जीत ली है। आप भी राजनीति से बता दो कौन हो। ठाकुर हो भाई? मुख्यमंत्री जी की पास्ट क्या? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कादिर है। मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है खतौली सीट हार रही है। उप मुख्यमंत्री खतौली, मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं यहाँ से? क्यों आ रहे हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दोनों क्यों आ रहे हैं आज भैया? आपका नाम भैया? मेरा नाम अरुण गुजर है। अच्छा जी, अरुण जी क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो तेरे पास जीत है लोकदल की। अच्छा, तेरे पास जीत है। लेकिन ये तो कह रहे कि कुछ नहीं है बचा। देखो ये तो आने वाली आज तक सब क्लियर हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। यहाँ से जहाँ तक हमारा अनुमान लग रहा है, यहाँ से ही तो शुरुआत, यहाँ से पतन हो जाएगा बीजेपी का। वो जो बदतमीज विधायक, जो बीजेपी के फिर बदतमीज विधायक, इनसे छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को, जो हर समाज को गाली देते फिर रहे लोग। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ, उधर से मुख्यमंत्री को पता लगा कि गाली देते फिर हर समाज के लोगों को। उधर पता है मुख्यमंत्री दिन से भी होंगे यहाँ, बीजेपी उस दिन से कहाँ सो रही थी, आज आज बीजेपी यहाँ से आ रही भाग भाग के। सुपड़ा साहब है, ये सब लोग जानते हैं। वो अब सब समाज, छत्तीस समाज के लोग मदन भैया जी के साथ, विधायक जी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मदन, अरे मदन भैया जो है बाहर से आकर चुनाव लड़े, वो बाहरी लोग, बाहरी है। बाहरी? हाँ। एक चीज लग रही बाहरी तो विक्रम सैनी भी है, वो भी उसकी विधानसभा दूसरी लगे, विधानसभा दूसरी लगे उसकी भी, विक्रम सैनी की भी। प्रशांत चौधरी वहाँ लड़ा मुजफ्फर, वहाँ मीरापुर चुनाव बाहर का था। अब से पहले बाहर के लोग गुजरात के चुनाव लड़ते हैं। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी बम्बई की, हेमा मालिनी तो बम्बई की, हेमा मालिनी तो उसे वहाँ काट दिया। जो बताओ पार्टी विचारधारा से चलती है, किसी व्यक्ति से नहीं चलती। व्यक्ति अगर पार्टी बदल दे तो पार्टी की विचारधारा नहीं बदलती कभी भी। लोकदल की विचारधारा, किसानों की विचारधारा है, मजदूरों की विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है, 20-30 हज़ार वोटों की बढ़त बना के चल रही है, छोटे लोगों की विचारधारा है, वो विचारधारा से पार्टी चलती है, अभी से एक्शन चलती है। अगर इतनी बढ़िया विचारधारा होती तो पूरे प्रदेश में लोकदल की पार्टी होती। हाँ हाँ, चल सरकार भी होगी, सरकार रही है और आगे भी आएगी, सरकार बनेगी। कितने साल हो गए? बीजेपी भी सत्ता से बाहर रही है, बीजेपी भी सत्ता से बाहर रही है, 7 साल में, 7 साल में आपका जाकर सत्ता से बाहर रही है। और आने वाले 2027 के चुनाव में फिर सत्ता से बाहर होगी निश्चित रूप से। आपका जाकर बीजेपी ना लेंगे 7 साल में, बीजेपी आपका वनवास को जाकर 7 साल बाद। अच्छा, यहाँ पे ये उपचुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है, लेकिन मुख्यमंत्री आने को मजबूर हो गए, क्या कारण लग रहा है? ज्यादा डरे हुए हैं मदन भैया, डर गए मदन भैया, डर गए, छत्तीस बिरादरी का समर्थन उन्हें मिल रहा है, भारी समर्थन उनके साथ है। वो जैन चौधरी का क्षेत्र है, जैन चौधरी का 3,10,000 वोट है, मदन भैया 2,50,000 वोट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वे 60,000 पे लड़ रहे हैं। अभी हम खतौली विधानसभा सीट पर थे तो हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि मतलब जो है इस बार दोनों ही पार्टी में जबरदस्त टक्कर है, जुड़े रहे सीजे से। यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी, धन्यवाद।